वेलकम टू न्यूज़ बॉबी ट्यूब चैनल। जहाँ दोस्तों बात करने वाला है यूपी पुलिस 49,568 भर्ती के बारे में। जहाँ दोस्तों आप लोगों के लिए मेडिकल अपडेट लेकर आ हूँ 100% सटीक, विश्वसनीय और सत्य सूचनाओं के साथ आपके पास जो है मेडिकल की अपडेट लेकर आ हूँ। जहाँ दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पे यूपी पुलिस 49,568 भर्ती के बारे में। जहाँ दोस्तों अब सभी का जो है अंतिम सूची जारी कर दी गई है और आप सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट का अब जो है मेडिकल होना है। आपको बता देता हूँ कि आपका मेडिकल कब होगा और साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है और उसके साथ साथ किस प्रकार से आपका मेडिकल होना है उसके बारे में आपके लिए एक मेडिकल की छोटी सी अपडेट लेकर आया हूँ। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। आप सभी के लिए, सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, तो प्लीज़ जो है धैर्य बनाकर रखें और वीडियो को लास्ट तक जो देखें। इसके साथ में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबा ले। जहाँ दोस्तों एक नोटिस भी जारी किया गया है 4 तारीख में कि आपका जो है यहाँ पे यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड जो है वो सभी मंडल आयुक्त और सभी डिस्ट्रिक्ट को जो है मेडिकल कराने और आपका करेक्टर वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने जो है लेटर को डाल दिया है। सभी के लिए यहाँ पे जो है होने वाला है कि आपका जो मेडिकल है वो ग्रह जनपद पर कराया जाएगा और आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो भी ग्रह जनपद पर ही होगा। यहाँ पर आपकी 2 बात निकल के आती है, फर्स्ट तो आपका मेडिकल होगा, सेकंड में आपका वेरिफिकेशन होगा, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि आपके पास या आपने कोई केस वगैरह मुकदमा कोई आपके द्वारा दर्ज तो नहीं किया गया है, इस प्रकार से पुलिस वेरिफिकेशन होता है। वो यहाँ पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन साथ में आपका मेडिकल भी होगा, तो ये 2 चीज़ होती है जो आपका गृह जनपद पर कराई जाती है, ये फाइनल स्टेप होती है। यहाँ पर फाइनल स्टेप होने के बाद जो आपकी जो फाइल बोर्ड से आती है वो फिर आपकी यहाँ पर जो यूपी बोर्ड या फिर अदर स्टेट से जो आपने 10th और 12th की गई है तो वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए डाल दी जाती है और वो डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई होकर के आ जाते हैं। फिर आपको JTC या फिर आपको जो है जहाँ पर ट्रेनिंग आपकी होती है वहाँ पर आपको भेज दिया जाता है, वो फाइल आपकी वहीं पर आपको रिसीव हो जाती है। तो ये प्रक्रिया होती है, तो आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या करना होगा, कैसे आपकी प्रक्रिया ये कंप्लीट होगी। तो जैसे ये लेटर डाला है तो ये सभी मंडल आयुक्त और यहाँ पर गृह जनपद को भेज दिया गया है। सभी इसकी तैयारी यानी कि इसकी व्यवस्था में लग चुके हैं। आपका बहुत ही जल्द यहाँ ये पता चल चुका है कि आपका मेडिकल होने वाला है। मेडिकल के साथ साथ आपका यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। जैसे ही मेडिकल हो जाता है उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन करा जाएगा, यानी कि आपका जो नज़दीकी थाना होता है, जो आपका क्षेत्र का थाना पड़ता है, वहाँ से कुछ पुलिस वाले आपकी वेरिफिकेशन करते हैं कि आपका चरित्र कैसा है, चरित्र अच्छा है, उत्तम है, उस प्रकार से आपका यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाता है। तो यहाँ पे मेडिकल की अपडेट है कि आपका मेडिकल में क्या क्या होने वाला है। इस प्रकार से एक आपका फॉर्म होता है जो मेडिकल के लिए आपको वहाँ पे जो आपकी फ़ाइल आती है भर्ती बोर्ड से, जो आपको फिजिकल के टाइम और आपका जो DVPST हुआ था उस समय आपको फ़ाइल दी गई थी, वही फ़ाइल आपकी चारों तरफ से घूमकर फाइनल स्टेज पर पहुंच जाती है। वही आपकी फ़ाइल आएगी, उसमें इस प्रकार का एक आपका जो है एक परफॉर्मा होगा, उसमें आपको क्या क्या यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट दी गई है, क्या क्या फुलफ़िल करनी होती है वो मेडिकल के लिए, वो यहाँ पर आपको हाइट, चेस्ट और फुलाव वगैरह सभी होता है, वो आपका DVPST में हो चुका है। जहाँ तो फिर नीचे आता है आपका यहाँ पे जो है मेडिकल के बारे में कि आपका मेडिकल के बारे में क्या क्या होता है। यहाँ पर क्या क्या चेक किया जाता है मेडिकल में, नोक नी आपस में घुटने टकराते हुए, यानी कि दोनों टांग में जो बीच में जो सीधे खड़े होकर के दोनों पंजे नीचे मिला करके खड़े होते हैं तो वो बीच में घुटने नहीं टकराने चाहिए। बोलैक्स होता है, फ्लैक फीट होता है, समतल तलवे, यानी कि अगर आप पानी में भिगो करके किसी समतल क्षेत्र पर अपने तलवे रखते हैं तो उसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए बीच में, वो बिल्कुल जो है समतल नहीं होना चाहिए। अगर समतल है तो आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। तो नीचे आता है वेरिकोल और वेंस उभरी हुई नसें, यानी कि आपकी पिंडलियों में जो उभरी हुई नसें होती है वो नहीं होनी चाहिए। स्पीच डिएबिलिटी यानी कि आपकी बोलने की अक्षमता आप अच्छी होनी चाहिए, तुतलापन जो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अन्य कोई शारीरिक यहाँ पे डोटर्मिटी, कोई भी शारीरिक की विकृति नहीं होनी चाहिए जिससे कि लगे आप जो है स्वस्थ हो। हेयरिंग श्रवण परीक्षण यहाँ पे होता है कि आपको सुनने की अक्षमता सही होनी चाहिए, दोनों कानों से बराबर सुनना चाहिए। नीचे होता है रिनीज टेस्ट, फिर वेवर्स टेस्ट और वर्टिगो, ये 3 होता है यहाँ पे जो आपकी श्रवण अक्षमता में ही आता है। जहाँ दोस्तों इसके लिए फिर स्पेशल आपका जो है यहाँ पर करा जाता है
आँखों का टेस्ट यानी दृष्टि वाला जो टेस्ट होता है वो आँखों का भेंगापन नहीं होना चाहिए। आँखों में भेंगापन होता है कि पुतलियाँ इधर से इधर होती है, वो नहीं होना चाहिए। और वर्णधानता यानी कलर ब्लाइंडनेस की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर है भी तो थोड़ी बहुत चल जाती है, लेकिन वो औसत आपकी जो है जो क्राइटेरिया मांगी गई है औसत में आपकी दाई बाई आँख को औसत मिला करके सही होनी चाहिए। दूर दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, निकट दृष्टि दोष भी आपका नहीं होना चाहिए, इत्यादि ऐसी समस्या आँखों में नहीं होनी चाहिए जो कि मेडिकल परीक्षण पर आपकी जाँच कराई जाती है। तो अभी आपको बता देता हूँ आँखों के लिए एक आप टेस्ट एक बुकलेट है मेरे पास, वो भी आप देख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो एक बार उसका टेस्ट कर ले, आपको थोड़ा पता चल जाए कि आँखों की समस्या आपके जो है आँखों में कोई समस्या नहीं है। अगर है तो फिर डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। तो मैं आपको बुकलेट भी दिखा देता हूँ कलर ब्लाइंडनेस के संबंधित में, बहुत ही अच्छी बुक है, इशारा की बुक है। उसमें साथ में आपका जो है बुक प्लेट भी दी हुई है, प्लेट नंबर के साथ साथ में नीचे जो है आपका आंसर्स भी दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारा चार्ट्स की बुक होती है यहाँ पे, जो आपकी बहुत ही आपके इस मेडिकल में इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार से, यहाँ पे जो आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है वो इस प्रकार से आपका यहाँ पे कराया जाएगा। ये यहाँ पे यह जो आपको बुक है पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, यहाँ पे दिया हुआ है ये सभी जो टेस्ट दिए हुए। उसके बाद नीचे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो ये इन्होंने आंसर के साथ में भी दिया हुआ है कि प्लेट नंबर 3 पर आपका क्या था, नॉर्मली 6 था। इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने नीचे आंसर भी दिया हुआ, अगर आपको पहचानने में दिक्कत है तो आप आंसर भी देख सकते हो और आप इसको जो है अच्छे से पढ़ लें ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए यानी कि मेडिकल परीक्षण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सके। तो ये यहाँ पे 38 जो है प्लेट्स यहाँ पे दी हुई है और 38 प्लेट्स के साथ में यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। ऊपर जो है इसमें सारी विदाउट आंसर है जो आपके क्वेश्चन से है, यानी कि ये प्लेट ये जो दी हुई है इनके नीचे आंसर भी दिया हुआ है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। तो आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दे, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और कैंडिडेट भी देख सके और कैंडिडेट को भी पता चल सके कि मेडिकल परीक्षण कैसे होने वाला है और उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होने वाला है। पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि पुलिस वेरिफिकेशन आपका थाना क्षेत्र से होता है और उसमें आपका सिर्फ कैरेक्टर चरित्र से संबंधी आपकी जानकारी ली जाती है और आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद आपका फाइनली जो होता है फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो आपका हाई स्कूल और 12th यानी इंटरमीडिएट आपने की हुई है उनका वेरिफिकेशन बोर्ड से कराया जाता है, यानी कि वे आपकी जो दोनों मार्कशीट होती है वो बोर्ड भेज दी जाती है, वहाँ से देखा जाता है कि आपके पास जो मार्कशीट है ये ओरिजिनल है, आपने बोर्ड से ही की है या कोई फर्जी तो नहीं है। तो वो वेरिफिकेशन होकर के आपका JTC में वो फाइल जमा हो जाती है, उसके बाद आपको JTC के लिए भेज दिया जाता है। ये फाइल सभी लास्ट में आपकी वहाँ पर पहुँच जाती है, वहाँ पर आप फाइनली सिग्नेचर करते हो और वो फाइल सबमिट हो जाती है, भर्ती बोर्ड के यहाँ सबमिट हो जाती है, वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट लग करके उसमें सबमिट हो जाती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिए, साथ में अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरी है तो आप जरूर उत्तर हमसे ले सकते हैं, क्वेश्चंस कमेंट में डाल कर सकते हैं, फेसबुक जो है ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबा ले। तो मिलते हैं कोई अच्छी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।